व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कैसे आप लोग यूडिक्शनरी एप्लीकेशन का जो मैजिक टूल होता है ना, उसको आप कैसे यूज़ करोगे। साथ ही यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किसी भी सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ हो, कुछ भी, आप इंग्लिश टू किसी भी लैंग्वेज पे, आपका नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे आप जो है ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं। तो भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है। वीडियो को देखते रहो एंड तक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस और भी आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये एप्लीकेशन कहीं पर भी डाउनलोड करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर बताया है कि कैसे आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वेबसाइट के बारे में बताया है। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे आपको मैजिक ट्रांसलेट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो गाइज, ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहो बिना स्किप करें। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप जिसका आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, आप यहाँ पर से जो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मेरा नेटिव लैंग्वेज है बंगाली, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। फिर गाइज, आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। एंड यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पे नीचे देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पर सेटिंग पे आना होगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैजिक ट्रांसलेट। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपका जिस लैंग्वेज पे आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज मैंने यहाँ पर बंगाली सिलेक्ट करके रखा है, आप इस पर क्लिक करके आपका जो नेटिव लैंग्वेज अगर हिंदी है, तो आप यहाँ पर से जो है हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर मैजिक ट्रांसलेट का जो ये बटन है, इसको आपको सिंपली ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद ये ऑप्शन आपको जो ये अभी देखने को मिल रहा है, ये आपको शो होगा। फिर गाइज, यहाँ पर आपको नो नहीं करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर आएगा आपको एक्सेस करना ही होगा, तो ही जाकर के ये वर्क करेगा अच्छे से। तो सिंपली आपको इसे यस करना है। फिर गाइज, आपको ये इसका जो एक्सेस को ग्रांट करना पड़ेगा, तो ही जा करके ये एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी भी सेटिंग पर नहीं जाना है, सिंपली आपको यू डिक्शनरी को ढूंढना है। एंड यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर यू डिक्शनरी मुझे मिल गया है, इस पर क्लिक करूँगा। एंड ये ऑफ है, मैं इसे ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आएगा अलाउ ही करना पड़ेगा। फिर गाइज, आपको सिंपली बैक चले आना है। एंड यहाँ पर आपका जो मैजिक ट्रांसलेट वो फाइनली ऑन हो चुका है। सो गाइज, मैजिक ट्रांसलेट को ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जो कि मैं स्क्रीन पे हिला रहा हूँ। तो ये जब आपको मिल जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, सिंपली जो जिस भी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके सीखना है, जैसे कि मान लो उसी पर मैं इसे ड्रैग करते हुए इसके ऊपर ला करके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं इसका जो है ट्रांसलेट हो चुका है। एंड मैं दूसरा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए आप इसके ऊपर छोड़ दोगे तो ये जो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ, मैं एक ईमेल पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मान लो मुझे इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके देखना है कि इसका जो हिंदी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से लाऊँगा और देख सकते हैं यह ट्रांसलेट हो चुका है। तो भाइयों, आप इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस हो या फिर पैराग्राफ हो, आप ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं। आई होप गाइज, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।